मैं कोई स्पीच नहीं देने वाला हूं, मैं बहुत जूनियर हूं, बहुत ही सीनियर लोग बैठे हैं, लेकिन इतना मैं कहूंगा कि लोकतंत्र खतरे में है, देश का लोकतंत्र खतरे में है। इनको ये लगता है कि ऐसे हम चला लेंगे, डंडे से चला लेंगे। ये देश किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये 140 करोड़ लोगों का देश है। ये आजादी हमें शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, मदन लाल ढींगरा, करतार सिंह सराबा, चंद्रशेखर आजाद जैसे हजारों योद्धाओं ने अपनी जवानी में गले में फांसी के रस्से लटका के ये आजादी हमें दी है। ये इनके किसी बाप दादे की जागीर नहीं है। क्या समझते हैं ये? इसको भी अंदर कर दो। जो अस्पताल बनाता उसको अंदर कर दो, जो स्कूल बनाता उसको अंदर कर दो, कांग्रेस पार्टी के खाते फ्रीज कर दो, किसी के नेता फ्रीज कर दो, ऐसे जीत लोगे? हम वो पत्ते नहीं हैं जो शाख से टूट कर गिर जाएंगे। आंधियों को कह दो अपनी औकात में रहें। समझते क्या है ये? अरविंद केजरीवाल को अंदर कर दो, हेमंत सोरेन को अंदर कर दो, इसके घर ईडी भेज दो, इसके अगर इसकी एमपीशिप कैंसिल कर दो, इसका घर छीन लो। अरे मालिक तुम हो, इन घरों के मालिक तुम हो, इन घरों की मालिक 140 करोड़ जनता है। कोई पता नहीं किस घर में लोगों ने किसको पहुंचाना है। ये गलत फहमी में है। हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है। यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है।